मुझे मालूम नहीं, बार बार वही करते, 70 साल में क्या गए, अब जरा भूल गए। अरे 70 साल में बार बार हमको बोलते हैं, उसमें तो मोरारजी देसाई भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी और नेता लोग भी प्रधानमंत्री बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी बने, देवेगौड़ा 11 महीने बने और गुजराल बने, कितने लोग, ये सब छोड़ के वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। हम डेमोक्रेसी को बचा के रखा, आजादी को बचा के रखा, संविधान को बचा के रखा, इसीलिए तो आप लोग जिंदा है। मैं उनको कहा, आप प्रधानमंत्री जो बने, हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखने कि जो हमने काम की उसके वजह से आप प्रधानमंत्री बने, शाह होम मिनिस्टर बने, नहीं तो कहां, वही गुजरात में रहना पड़ता था। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती और हिफाजत नहीं करते, संविधान नहीं होता, संविधान की हिफाजत हम नहीं करते, तो ये लोगों का आता पता भी नहीं लगता था। तो ये बड़ी चीज हमने की है और हर बार यही कहते हैं, हर भाषण में यही करते हैं। परसों फिर उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण किया, इतनी लंबी चौड़ी बात की, लेकिन उन्होंने कभी नेहरू जी को याद नहीं किया, गांधी जी को याद नहीं किया, वल्लभ भाई पटेल को याद नहीं किया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को याद नहीं किया, कुछ नहीं। मैं मोदी मोदी और एक बात उन्होंने हमेशा कहते हैं, एक अकेला मोदी सब अपोजिशन पे भारी पड़ता है। तो आप देखिए एक आदमी का अहंकार कितना होता है। और उतना ही नहीं, परसों हमारे 15 अगस्त को आजादी के दिन उन्होंने तकरीर की, आने वाले 2024 में भी मैं यहां आकर झंडा फहराऊंगा। फिर कोई पूछे मेरे को, क्या मोदी जी तो ऐसा बोल रहे हैं, झंडा फिर से अपने लाल किले पे चढ़ाएंगे। मैं बोला ठीक है, वो जो बोले हैं, झंडा तो जरूर फैलाएंगे लेकिन उनके घर के ऊपर फैलाएंगे। लाल किले पे नहीं, अपने घर पे जरूर चढ़ाएंगे। और शाह अपने पत्नी के साथ अपने घर पर चढ़ाएंगे।